प्रदेश के हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अब लोकतंत्र की दीवार मतदान के महत्व को बताएगी। इसके लिए बकायदा सरकारी हाई व सेकेंडरी स्कूलों में लोकतंत्र की दीवारें बनाई जा रही हैं, जिससे हर दिन छात्रों के लोकतंत्र के महत्व की जानकारी मिलेगी। साथ ही इस दीवार पर मतदान से लेकर चयन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। नोडल अधिकारी स्वीप अजय पटियाल ने बताया कि जिला के पहले चरण में जिला के सभी सरकारी स्कूलों में लोकतंत्र की दीवार बनाई जा रही है और उसके बाद निजी स्कूलों को भी लोकतंत्र की दीवार बनाने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। जिला नोडल अधिकारी स्वीप एवं उप निर्देशक शिक्षा विभाग निरीक्षण विंग अजय पटियाल ने कहा कि स्वीप अभियान के तहत जिले के स्कूलों की दीवारों पर लोकतंत्र की दीवार शीर्षक से लोकतंत्र के अधिकारों और कर्तव्यों, मतदाता पहचान पत्र, मतदान का महत्व आदि की जानकारी के लिए सूचना पट अंकित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जिला के अधिकतर स्कूलों में ऐसी लोकतंत्र की दीवार अंकित की गई है, जबकि स्कूलों को इस सूचना पट को अंकित करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे मतदाता मतदान के महत्व और इससे संबंधित कई जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। इस लोकतंत्र की दीवार पर हर रोज एक नया अधिकार, मतदान संबंधी बातें तथा नोडल अधिकारी और VLO का नंबर अंकित किया जाएगा। इस लोकतंत्र की दीवार सूचना पट की देखरेख स्कूल की 9वीं कक्षा के विद्यार्थी करेंगे, जबकि 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र इसमें सहयोग देंगे। एक प्रोग्राम है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसमें एक तो कोशिश रहेगी जो भी एलिजिबल सिटीजन, खासतौर हमारे जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 1 जनवरी 2019 को जिन्होंने 18 साल पूरे कर लिए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन एज ए वोटर हो जाए। और दूसरा एक प्रयास है कि लगातार अवेयरनेस बच्चों में रहे, वोटर्स में रहे, उसमें हर एक स्कूल में, खासकर हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, एक लोकतंत्र की दीवार के नाम से एक लाइव पत्रिका जो है उसका निर्माण किया जाए, जिसमें कुछ विचार लिखे जाएंगे, कुछ जानकारी उपलब्ध की जाएंगी मतदान के बारे में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में, ताकि बच्चा एक जागरूक इंसान के रूप में मतदान में हिस्सा ले सके। और इसी कड़ी में तकरीबन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के हर एक हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो लोकतंत्र के दीवार के रूप में एक प्रोमिनेंट प्लेस पर, विद्यालय के एक खास स्थान पर उस दीवार का निर्माण करें। और बच्चे जो हैं 9th क्लास के बच्चे, खासकर 10th प्लस 1 और प्लस 2 के बच्चों की मदद से कुछ जानकारियां उस पर समय समय पर लिखित रूप से वहां उकेरें, जिसको बार बार बच्चे पढ़ें। जो भी विद्यालय प्रांगण में आते हैं लोग, या टीचर्स हैं, बाहर से आने वाले अभिभावक हैं, या दूसरे जो भी जनता के प्रतिनिधि या कोई भी वहाँ पर आते हैं, तो उस बारे में पूरी जानकारी उन लोगों तक वो जाए, ताकि एक जागरूक मतदाता के रूप में बच्चे अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा सुनिश्चित करें।